सीएट के स्टॉक को लेके आइए डायरेक्टर साहब। सीएट में मैनेजमेंट ने एक कमेंट्री दी है, ऐसा तो रेमंड्स ने भी दी है और काफ़ी सारे मैनेजमेंट्स मिल रहे हैं बाजार से और वहीं से स्ट्रेंथ भी आ रही है, बट सीएट इन पर्टिकुलर फ्लैट है, बहुत बड़ा मूव नहीं आ रहा बट मेंटेन्ड है। सीएट की कमेंट्री हम लेके आएंगे, हमारे साथ शरद जुड़ेंगे जल्दी बताने के लिए कि ऐसा क्या बोला है, बट उससे पहले कुछ से सीएट का चार्ट चेक कर लेते हैं। कुछ आप बताएं सीएट कैसा दिख रहा है? सो अजय, इसमें डाउन टर्न देखिए आप काफी समय से चालू है, यू नो 1900-2000 के लेवल से नीचे आ रहा है और कहीं भी हमने ऐसा रेस्पाइट आते हुए नहीं देखा है। अब इसके लिए सेविंग ग्रेस अगर मैं ढूंढ लू तो दो पॉइंट्स है। पहला ये कि 1350 टू 1375 के जो जोन हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग यू नो इसके लिए सपोर्ट जोन के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। दूसरा, स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड टेरिटरी पे चला गया है ऑन आरएसआई, सो मेरे हिसाब से ये दो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से टेक्निकल बाउंस एक इसमें आ सकता है, लेकिन मैं वो प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं थोड़ा वेट करूंगा। अगर मान लीजिए स्टॉक रिबाउंड करता है और यू नो 1400 के करीब या उसके ऊपर जाता है तब हम इसमें एक लॉन्ग ट्रेड कंसिडर करेंगे, बट तब अपटिल देन मेरे लिए सिर्फ वेट एंड वॉच लिस्ट में रहेगा। 1350 का लेवल अगर ये तोड़ता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है ये और बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, फोकस में रहेगा सीएट और यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट मीट हुई है और ऑफ कोर्स Q3 नंबर्स जो थे अच्छे नंबर्स देखने मिले थे क्योंकि ग्रॉस मार्जिन्स में बढ़ोतरी देखने मिली थी, लेकिन यहाँ पे जो कमेंट्री आ रही है वो डिमांड के तरफ आ रही है और वहाँ पे कह रहे हैं कि जो ओवरऑल डिमांड है वो म्यूटेड रह सकती है नियर टर्म बेसिस पे, लेकिन क्या सेगमेंट्स पे इम्पैक्ट होगा उस पर फोकस करेंगे। ऑफकोर्स टू व्हीलर सेगमेंट पर जो देखा जाए तो डिमांड इम्पैक्टेड हुई है क्योंकि OEM और रिप्लेसमेंट डिमांड में जो है कमी देखने मिली है। पैसेंजर व्हीकल्स में डिमांड फ्लैटिश रही है, लेकिन अगर बात करें तो फार्म सेगमेंट में थोड़ी सी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आगे जाते हुए, लेकिन ओवरऑल रूरल रिकवरी जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। और लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर है कि मार्जिन्स जो है वहाँ पे एक टाइप से इम्प्रूवमेंट सिक्वेंशली देखने मिल सकता है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेज जो है लगातार दूसरे क्वार्टर में गिरावट देखने मिल रही है और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करे कि रॉ मटेरियल प्राइसेज और 3% की गिरावट देखने मिलेगी। लेकिन आगे जाते हुए कंपनी में क्या फोकस रहेगा? तो आगे जाते हुए हाई मार्जिन बिजनेस जो आपके ऑफ हाईवे टायर्स होती है और एक्सपोर्ट्स होती है उसमें कंपनी फोकस करने वाले हैं और इसके अलावा कैपेक्स भी जो है ऑलमोस्ट FY23 के लिए लगभग आप कह सकते हैं 900 करोड़ का जो है ओवरऑल कैपेक्स रखा गया है। और आखिर में बात करेंगे ब्लूमबर्ग एनालिस्ट का जहां पे उन्होंने 12 मंथ टारगेट प्राइस रखा है 1648 रुपीज़ प्रति शेयर का, यानी कि करंट लेवल प्राइसेस से 19% का जो अपसाइड पोटेंशियल यहां देखने मिल रहा है। हालांकि बाय रेटिंग सिर्फ 60% है और टोटल 25 एनालिस्ट जो इन स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया सीएट का मामला। मिड कैप स्टॉक्स की तरफ वापस से देखते हैं। रेन इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स भी आए थे और उसमें कुछ खबरें भी आ रही हैं। मेटल काउंटर्स से बहुत ज़्यादा एकदम कोरिलेटेड स्टॉक है, बाजार में बड़ा इसमें व्यू। अभी ये देखिए 4% का ब्लॉक के बाद डिलीवरी भाग गया, लेकिन पहले रेन का चेक ले लेते हैं। रेन चेक कुछ रेन इंडस्ट्रीज़ 3.5% ऊपर है, ठीक ठाक वॉल्यूम है, 160 का भाव है, डेज हाई पे। That was a very smart, you know, wordplay. Ajay, I must tell you, मैंने notice किया, I don't know if everyone else did, but that was a very smart wordplay. बिल्कुल सही, रेन इंडस्ट्रीज का जो चार्ट है ये एक टेक्निकल रिबाउंड सजेस्ट कर रहा है। कल हमने एक बहुत ही शार्प वॉल्यूम अपटिक के साथ इस स्टॉक को यू नो ऊपर जाते हुए देखा था, आज उसका फॉलो थ्रू देख रहे हैं। तो एक पहला जो चेक होता है कि क्या स्टॉक का बेस बन गया है, एकदम नियर टर्म बेस पे हम कह सकते हैं कि हाँ 150 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास बनता हुआ हमें दिख रहा है। सो यू नो अगर कोई लॉन्ग लेना चाहे तो 155 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग ले सकता है। 165 आपका पहला टारगेट रहेगा, 170 दूसरा टारगेट। बहुत ज्यादा बड़ी तेजी अगर ये 170 के ऊपर निकलता है मैं तब भी देखूंगा, क्योंकि वहां पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज करीब कन्वर्ज हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी तेजी उसके ऊपर होगी। बट शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप प्ले करना चाहें तो बिल्कुल इन लेवल्स के लिए आप इसमें लॉन्ग ट्रेड प्ले कर सकते हैं। क्या?